Myself, Professor Prateek Agrawal. I am co-convener training and placement cell, Bundelkhand University Jhansi, and nodal officer, Model Career Center, Bundelkhand University Jhansi. The mega job fair was convened on 9th of December 2017 in the Bundelkhand University campus, which was attended by more than 40 leading companies from different fields like engineering, pharmacy, and life sciences. Companies are coming for the placement of students, and this is a great achievement for Bundelkhand University and for the students. This is a great opportunity for getting the job and going to the professional world after completing BTech, and all the best for the students for their interviews. I hope that maximum students will be selected. To the upcoming students, as well as we are so thankful and so kind to have such a hard-working student volunteers who are going to assist us, as well as they have paid such an important time in this job fair. Thank you. बीटेक डिपार्टमेंट के लिए, बीटेक के बच्चों के लिए 60 डिपार्टमेंट हैं, 10 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से भीलवाड़ा निकलता है, क्रेस, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, सी कोर इंडिया, वैन लिफ्ट, लक्ष्य टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एक्लस, और लगभग 1200 से 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और उम्मीद है कि शाम तक हमें कुछ अवैध टेस्ट मिल जाएंगे, कौन सिलेक्टेड हुए कि नहीं हुए. के बच्चों को बहुत अच्छा आगे स्कोप मिलेगा, जिससे कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, गुड चांस है, जिससे कि जो जो बाहर जाके भटकते हैं फिर जॉब के लिए ट्राई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई और बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने इंटरव्यूज दिया और अच्छे अच्छी जगह उनका सिलेक्शन होगा, और इससे हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी आगे बहुत अच्छा रहेगा. सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे लगभग 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और सबका उत्साह देखने लायक था. काफ़ी बच्चे इंटरव्यू देके खुश होकर निकल रहे थे, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी. जब शाम को इसका रिजल्ट आएगा तो शायद ये खुशी चारगुनी हो जाएगी, और हमारा बच्चों को आशीर्वाद है कि ये इसमें सेलेक्ट हों और अपने डिपार्टमेंट्स का नाम रोशन करें.
ये एक बहुत बड़ा ही आयोजन है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के संदर्भ में, क्योंकि जब भी बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं अगर उन्हें अपने फाइनल ईयर में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। वैसे ही आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हमारे सारे विद्यार्थियों को ये मौका मिला है और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्लेसमेंट हो ताकि वो अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके। आज जितने भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे या शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी के रिजल्ट जो हैं शायद शाम तक डिक्लेयर भी हो जाएंगे, तो मैं जितने भी बच्चे दिए हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहूँगा। और जो भी किसी भी वजह से नहीं हो पाए हैं तो शायद उनको अपनी कमियाँ पता चली होंगी कि उनमें क्या कमी रह गई थी, उनको इस प्लेसमेंट सेल के थ्रू ड्राइव के थ्रू ये पता चलेगा कि मुझे अपने में कितना इम्प्रूवमेंट लाना है। तो उन सब के लिए भी फ्यूचर में भविष्य के लिए के मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। धन्यवाद। एक अच्छा इनिशिएटिव भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन बच्चों को बहुत बड़ा मौका मिला है। और अभी तक हमारी तरफ से जो कैलकुलेशन हुए वो करीब 250-300 बच्चों ने केवल अकेले इंजीनियरिंग में दिया है, जिसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस के छात्रों के अलावा बाहर के और भी कॉलेजेस के बच्चों का आना हुआ है, जैसे CSE, SRI और हमारे IIT के भी सारे बच्चे आए हैं। और अगर ये हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ये फिर से ऑर्गेनाइज हो और ये बच्चों को बार बार मौका मिलेगा और इससे बच्चे अच्छी जगह प्लेस होंगे और इन सब एक्टिविटीज से बच्चों को फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द मीडिया टीम हु इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन दिस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म लाइक दिस। सो एंड एक्चुअली इट्स द फर्स्ट टाइम दैट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग सच अ ह्यूज mega job fair, and the students will get benefited a lot with this job fair, and around I think that 1500 or around 2000 students participated in this, and a lot of the students got more opportunities, and I would like to congratulate all of them. And but the students who didn't get selected in any of the team, any of the company actually, so I would like to say that don't get disappointed, and have a good faith in God, and you will get a better opportunity in future. And so best of luck from my side. Thank you.